हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल घर की रसोई एंड टिप्स में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जीवित पुत्रिका व्रत स्पेशल खस्ता ठेकुआ। एकदम खस्ता ठेकुआ होगा बिस्किट की तरह। इसके लिए हम आधा कप फ्रिज का ठंडा दूध लिए हैं। इसमें एक कप चीनी डालकर एक बार इस तरह से मिला लेंगे। ज़्यादा मेल्ट नहीं करना है चीनी को, बस एक बार इस तरह से चला लेना है। इसके लिए हम आधा कप सूजी लिए हैं डो तैयार करने के लिए। दो कप मैदा लिए हैं। आप एक कप सूजी और डेढ़ कप मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आधा कप सूजी और दो कप मैदा लिए हैं। मैदा के जगह आप गेहूं के आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप से थोड़ा कम ऑयल लिए हैं। ऑयल को थोड़ा बचा लेंगे, सारा नहीं डालेंगे। अब हम मिलाएंगे इस तरह से मसलते हुए। अब देख सकते हैं इस तरह से दोनों हाथों से अच्छी तरह से मसलेंगे, तभी खस्ता ठेकुआ बनेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं दोनों हाथों से मसलेंगे 4-5 मिनट तक। एकदम बिस्किट के तरह खस्ता बनेगा इस तरह से मसलने से हाथों से। 4-5 मिनट तक मसल लिए हैं अच्छी तरह से दोनों हाथों से। आप देख सकते हैं इस तरह से मुट्ठी बंधना चाहिए, परफेक्ट मोइम हो गया है। आधा कप से थोड़ा कम ही घी था, उसमें से भी हम 2-3 छोटे चम्मच बचा लिए हैं। ये दूध है, दूध को थोड़ा थोड़ा डालेंगे। जितना दूध वाले चीनी जितना लगेगा उतना ही यूज करेंगे, बाकी जो बच जाएगा तो कोई बात नहीं है, उससे चाय बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और समेटते जाएंगे। रोटी के आटा जैसे डो नहीं लगाना है, बस समेटते जाना है इस तरह से दोनों हाथों से। इस तरह से मसल लेंगे और थोड़ा देर। इस तरह से मसलने से खस्ता बहुत अच्छे बनते हैं। 5-6 इलायची को क्रश करके इलायची पाउडर डाल दिए हैं। थोड़ा कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, काजू बादाम आपको जो पसंद हो डाल सकते हैं। किशमिश नहीं डालना है, किशमिश फ्राई करते समय जल जाता है। इस तरह से समेट लेंगे, आप देख सकते हैं डो परफेक्ट समेटने लगा है। डो को ज़्यादा लूज नहीं करना है, गीला करने से खस्ता नहीं बनेंगे अच्छे। आप देख सकते हैं इतना दूध बच गया है, इसको हम रख लेंगे, चाय बनाने में यूज हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से डो तैयार हो गया है। इसी तरह डो चाहिए हमको खस्ता ठेकुआ बनाने के लिए। अब हम ढककर 10 मिनट रख दिए हैं। 10 मिनट हो गया है। अब हम इस तरह से हाथ से मुट्ठी बांध बांध कर पिठलियाँ बना लेंगे। इस तरह से जो शेप में आपको बनाना हो, गोल लंबा, उस तरह से गोल गोल कर लेंगे, लंबे लंबे कर लेंगे, जैसा बनाना हो आपको। आप देख सकते हैं इस तरह से इसी तरह से हम सारे डो को गोल या लंबा सारे शेप में बना लेंगे। गोल लंबे दोनों शेप में ही बना लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से हम पिठलियाँ बांध लिए हैं, गोल गोल भी कर लिए हैं। अब हम ये लकड़ी का सांचा है, इसमें ठेकुआ ठोकेंगे हाथ से दबाते हुए, हल्का सा
ऑयल लगाकर इस तरह से आप देख सकते हैं डिजाइन हो रहा है। आप देख सकते हैं इस तरह से गोल लंबा, इसी तरह से हम सारे डो को शेप दे देंगे इस तरह से हाथ से दबाते हुए। ये खस्ता ठेकुआ एकदम बिस्किट के तरह लगता है फ्रेंड्स, बहुत स्वादिष्ट भी होता है। आप दूध के जगह पानी से भी डो लगा सकते हैं और रिफाइन ऑयल के जगह घी भी डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं इतने सारे ठेकुआ का डिज़ाइन हम दे दिए हैं। इधर ऑयल गर्म हो गया है लो टू मीडियम फ्लेम में, गैस को हाई नहीं करना है, मीडियम फ्लेम में ही ठेकुआ को तलेंगे तभी खस्ता ठेकुआ बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स। हाई करने से ऊपर से कलर आ जाएगा, जल जाएगा और अंदर कच्चा रह जाएगा, ठेकुआ खस्ता अच्छे नहीं बनेंगे। इसीलिए लो फ्लेम में ही हम ठेकुए को पकने देंगे। 4 मिनट पकने के बाद हम छन्नी की सहायता से पलट लेंगे, दूसरे साइड भी गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे अलट पलट कर। एक बेज को फ्राई होने में 7-8 मिनट लग जाता है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं इस तरह से कलर आ गया है, दोनों तरफ ही अलट पलट कर क्रिस्पी हो गया है, गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब हम छन्नी की सहायता से निकाल लेते हैं। छन्नी में थोड़ा देर रखने से एक्स्ट्रा ऑयल निकल आएगा। अब हम दूसरे बेज तलेंगे। इसी तरह से हम दूसरे बेज को भी लो टू मीडियम फ्लेम में अलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे खस्ता ठेकुआ को। इसी तरह से हम सारे ठेकुओं को बनाकर तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं खस्ता ठेकुआ में कितने अच्छे कलर आया है। इसको आप 2 महीना तक भी स्टोर करके खा सकते हैं, डब्बे में बंद करके रख कर, ये ख़राब नहीं होता है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं एकदम टेस्टी बिस्कुट के जैसा बनकर तैयार हुआ है। अगर आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिएगा तो बार बार बनाइएगा फ्रेंड्स, सभी को पसंद आएंगे। आपके घर में ये स्टोर करके 2 महीना तक रख सकते हैं आप इसको, तो इस तरह से आप ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स। एक खस्ता ठेकुआ को लेकर हम तोड़ कर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कितने आसानी से टूट रहा है, एक ही हाथ से बहुत आसानी से टूट गया फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कलर भी बहुत अच्छे से आए हैं खस्ता ठेकुआ में। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।